अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज़ डिफेंडर को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो बगैर देरी के शुरू करते हैं गाइस इस वीडियो को। तो इसके लिए आपको सिंपली रन कमांड को ओपन करना है। रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको सिंपली सर्च बार में जा के टाइप करना है RUN रन और इंटर कर देना, जिससे रन कमांड हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो गाइस, आप विंडो प्लस R के बटन को प्रेस करके रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। तो रन कमांड को ओपन करने के बाद आपको सिंपली इसमें टाइप करना है gpedit.msc। gpedit.msc आपको टाइप करके एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पर डबल क्लिक कर देना। उसके बाद आपको विंडोज़ कंपोनेंट्स पर डबल क्लिक कर देना। उसके बाद आपने विंडोज़ डिफेंडर को यहाँ से सर्च कर लेना। विंडोज़ डिफेंडर को सर्च करने के बाद सिंपली उस पर भी डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने साइड पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर, इस पर आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक और विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने इनेबल्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना। इनेबल्ड पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करके ओके कर देना, जिससे विंडोज़ डिफेंडर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अगर गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।